राजनीतिक हथकंडा है आरक्षण आपके लिए, और आप वो पार्टी हैं जो एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को देना चाहते हैं, और आरोप आप बीजेपी पर लगा रहे हैं। डॉक्टर डीना कर्मवीर, आप कोई आरोप लगा रही है बीजेपी? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ, जो आरक्षण का प्रावधान है वो कांग्रेस की सरकार की और कांग्रेस के नेतृत्व में ही आरक्षण को दिया गया था। और दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ, ये बिहार से आते हैं गुरु साहब, इनके यहाँ पूछिए कि सबसे पहले आरएसएस के जो मोहन भागवत जी हैं उन्होंने बयान दिया था कि हम आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। आज देखिए किस तरीके के बयान दे रहे हैं, उनका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया अचानक से, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि इस देश के अंदर आरक्षण को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। ये वही दलित समाज है, जब इन्होंने एससी एसटी एक्ट को पंगु बनाने का काम किया था तो सड़कों पर आ गए थे, और ये भूले नहीं, और ये देश की जनता भी ये जानती है कि आरक्षण जो है ये सामाजिक न्याय के लिए, प्रतिनिधित्व के लिए है। ये कोई, आप जिस तरीके से मोदी जी एक तरफ तो कहते हैं मैं ओबीसी समाज से आता हूँ, फिर कहते हैं कि सिर्फ दो ही जातियां हैं, अमीर और गरीब की, आपको ये चुनाव जो है जाति और धर्म पर कौन लेकर आया? ये भारतीय जनता पार्टी लेकर आई, इनके पास इस समय कोई मुद्दा नहीं। आप बताइए, 10 साल ये रहे सरकार में, इनके पास कोई काम नहीं है बताने के लिए। अच्छा, आपने तो नोटबंदी की थी, मांगिए ना नोटबंदी पर वोट। आपने तो किसानों की आय दुगनी की करने का वादा किया था, मांगिए किसानों पर आप वोट अगर आपको लग रहा है। लेकिन जानबूझकर आरक्षण पर ये डिबेट लेकर आ रहे हैं, और हम बार बार कहते हैं, तो ये अगर डिबेट लेकर आ रहे हैं, ये डिबेट लेकर आ रहे हैं तो ये आप पे आरोप लगा रहे हैं। एक मिनट, होल्ड ऑन डॉक्टर डीना कर्मवीर, ये आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप एससी एसटी का आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को देना चाहते हैं। जी देखिए, एक एसडी देवगौड़ा साहब हैं जो बहुत दम भरते हैं कर्नाटक में कि भाई ये आरक्षण जो है मुस्लिमों को हमने दिया था। हाँ। आज ही उन्हीं की सरकार में है, और आज उनके पोते पर जिस तरीके का इल्जाम लग रहा है वो सबने देखा है, तो इनका चाल चरित्र कुछ ऐसा है। गुरु प्रकाश पासवान जवाब दीजिए, फिर सतीश प्रकाश। ओके एनडीए के साथ, गुरु प्रकाश पासवान जवाब दीजिए, चाल चरित्र चेहरों पर सवाल उठा रही है कांग्रेस पार्टी आपके। इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर डीना कर्मवीर, जवाब सुनिए, गुरु प्रकाश पासवान बोलिए। गौरव जी मैंने ध्यानपूर्वक सुना है, और मैं आग्रह करता हूं, आपके शो पे मैं खुली चुनौती देता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की किसी नेता ने कहा हो कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए तो मैं स्वीकार कर लूंगा। आप लोग झूठ बोलते हैं, आप लोग कुछ भी प्रोपोगेंडा करते हैं। किसी नेता ने आज तक नहीं कहा है कि आरक्षण को समाप्त करना चाहिए, ये झूठ और प्रोपोगेंडा करना। नहीं, समाप्त करने की बात उन्होंने भी नहीं कही, उन्होंने एक समीक्षा की बात कही है। समाप्त होने की बात उन्होंने भी नहीं कही, वो मोहन भागवत कह रही है कि मोहन भागवत ने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। नहीं नहीं गौरव जी यही तो झूठ है ना, किसी ने ऐसा नहीं कहा था। और ये लोग आरक्षण कहते हैं, बाबा साहब अंबेडकर का देहांत कब हुआ था मैं पूछना चाहता हूँ, उनको भारत रत्न कब मिलता है? बाबा साहब अंबेडकर का देहांत 1956 में होता है और 40 साल बाद उनको भारत रत्न मिलता है। आपने पार्टी के अंदर आपके बीच में नहीं बोल रहा था। गौरव जी या तो आप, मैं ऐसे बहस नहीं करता हूँ गौरव जी, आप करते हैं डॉक्टर डीना कर्मवीर वन बाय वन। मैंने उस दिन भी आपसे रिक्वेस्ट की थी मैम, सुनिए, नहीं ऐसा नहीं होगा मैम, अगर आपके बीच में कोई बोलेगा तो आप बोलिएगा, नहीं नहीं ऐसा करते नहीं मैम। मैम सुनिए, डॉक्टर डीना कर्मवीर, या तो आप बोल लीजिए, सब चुप हो जाएंगे, आप बोल लीजिए मैम। जब आपका टर्न आएगा, आपको बुलाया है, चार लोग बैठे हैं, एक एक बारी बारी करके सब बोलेंगे, अच्छा लगेगा। आप क्यों बीच में सबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं? और कोई आपके बीच में ही बोलेगा तो मैं उसको भी रोकूंगा, आई प्रॉमिस यू। पहले डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान बुरी कीजिए अपनी बात। नहीं गौरव जी देखिए, ये व्याकुल होने वाली कांग्रेस पार्टी की संस्कार है, लेकिन हमें समझने की जरूरत है। बाबा साहेब अंबेडकर का देहांत 1956 में होता है, उनको भारत रत्न कब मिलता है? 1992 में। कांग्रेस पार्टी ने अपने अंदर के एससी एसटी ओबीसी की तो चिंता की ही नहीं। कांग्रेस पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू जी के लिए क्या क्या बोला था? आपकी पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी, नेता विपक्ष, राष्ट्रपत्नी, शैतानी मानसिकता, हम बोले यहां पे सीताराम केसरी, कांग्रेस पार्टी के ओबीसी समाज के अध्यक्ष, उनको अपमानित किया था, कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में उनकी धोती खींची थी, तब आपका एससी एसटी ओबीसी का प्रेम कहां गया था? मैं शुद्ध रूप से बताना चाहता हूं, देश के एससी एसटी ओबीसी कांग्रेस के चाल चेहरे और चरित्र को शुद्ध रूप से जानते हैं। ठीक है, नाउ डॉक्टर डीना कर्मवीर 20 सेकंड बोलिए।
20 सेकंड रिप्लाई कीजिए। आदिवासियों के आदिवासी महिला के लिए बात की, ये वही राष्ट्रपति जी साहब जी हैं जिनको इन्होंने नई संसद बनी तो कब बुलाया, नहीं बुलाया आपने राम का राम मंदिर जब प्राण प्रतिष्ठा की कब बुलाया आपने, आप सम्मान करते हैं, आप सम्मान करते हैं, पहला भाषण हुआ था उनका टीना कनवीर न्योता तो पूरी दुनिया ने देखा, राष्ट्रपति जी को दिया गया था, बीजेपी टीना कनवीर राष्ट्रपति जी को न्योता भेजा गया था, नहीं भेजा गया था, कब बुलाया आप देखिए कि राजनीति में किसी भी महिलाओं की भागीदारिता वैसे कम है, अगर आदिवासी महिला अगर आती तो इनको क्या तकलीफ होती, बोलती इनको तकलीफ सिर्फ और सिर्फ आदिवासी और दलितों से है, इसीलिए उन्होंने नहीं बुलाया, आमंत्रित नहीं किया, आप बताइए आमंत्रित किया था या नहीं किया था, अरे दो दो कदम पे ही तो दूरी पर तो रहती है वो, क्यों नहीं आमंत्रित किया, नहीं आमंत्रित किया था, अगर राष्ट्रपति जी को बुलाते तो डॉक्टर टीना कनवीर किसको नहीं आमंत्रित किया था, राष्ट्रपति जी ने बाकायदा लेटर लिख के लिखा था, उन्होंने आने में असमर्थता जताते हुए लेटर लिख के कहा था, अपनी शुभकामनाएं दी थी उन्होंने, शुभकामनाएं दी ना वो तो ठीक है, शुभकामनाएं दी हमने भी, शुभकामनाएं दी हमने भी, हम भी बना नहीं कर रहे, उनको आमंत्रित भी किया गया, हम भी शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन आप बताइए उनको, उनको बाकायदा इनविटेशन दिया गया था, इनॉग्रेशन हो जाता तो क्या तकलीफ होती, इनको सीधी दिक्कत तो लेकिन आज वो मुद्दा नहीं, मुद्दा आज वो नहीं, ओके 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 डॉक्टर टीना कनवीर, ओके 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 रुकिए, मुद्दा आज वो नहीं है, मुद्दा आज वो नहीं, बना देंगे नहीं, डॉक्टर टीना कनवीर रुकिए ना, आप सतीश प्रकाश, सतीश प्रकाश आप दलित चिंतक हैं, क्या वाकई इस देश का आरक्षण खतरे में है, एक सवाल सीधा। नहीं देखिए, आरक्षण एक बहुत सामाजिक न्याय की लड़ाई में सबसे मजबूत साधन सिद्ध हुआ आरक्षण, जहां जहां आरक्षण है उन उन क्षेत्रों में दलितों की आदिवासियों की पाए जाने की संभावनाएं निश्चित रूप से बहुत ज्यादा बढ़ी है, जहां जहां जिन जिन क्षेत्रों में आरक्षण नहीं है वहां वहां अभी भी 75 साल आजादी के बाद भी दलित और आदिवासी के पाए जाने की संभावनाएं बहुत कम है। अब मुद्दा है कि आरक्षण को कौन खत्म करेगा या आरक्षण को नहीं खत्म, देखिए कांग्रेस ने भी आरक्षण को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सवालों के दायरे में